नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बीजेपी ने आज बड़ा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। हम आपको बता दें कि दिल्ली गेट के पास किए गए इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता उपस्थित थे और दिल्ली की सातों संसदीय सीटों से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। निवर्तमान सांसद भी मौजूद थे और प्रदर्शन कर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने मांग की है कि केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। आज देखते हैं दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए गए संबोधन में क्या बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है, उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। कोई सरकार नहीं चल रही, आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। लोग 10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। देखिए, एक भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले के चलते ईडी की गिरफ्त में है, जिनके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और एक राज्यसभा के मेंबर पहले से 7.5 साल से जेल में है, किसी कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, कोर्ट ने कहा जुर्म बड़ा संगीन है, कोर्ट ने कहा सबूत बड़े पुख्ता हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं जूते की नोक पर रखता हूं मुख्यमंत्री के पद को, शराब घोटाले में फंसने के बाद इतने डरे हुए हैं, समझ में आ गया कि लालू के बाद भाई सबसे लंबे समय जेल में रहेंगे, ऐसे में वो नौटंकी कर रहे हैं कि मेरे को दिल्ली की बड़ी चिंता है। 9 साल जब आपको मौका मिला तब तो आप शराब घोटाले करते रहे, शराब तस्करों का साथ देते रहे और अब आप कहते हैं कि दवाइयां नहीं है, पानी नहीं है, मंत्री को पता नहीं है, भारतवाज को नहीं पता कि दवाइयां हैं या नहीं है, लेकिन जेल में जो 9 साल तक किसी काम नहीं किया वो कह रहा है। इसलिए जैसे सुरेंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सुरेंद्र जैन को मजबूर किया था, अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के लिए। उनको कहने का अधिकार है, हर क्रिमिनल ऐसा सोचता है, हर क्रिमिनल ऐसा सपना देखता है कि वो जेल से सरकार चला सकता है लेकिन वो चला नहीं पाता। देखिए, जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई तब भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था, यही बात उन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही है, लेकिन उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ, कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य सरगना है। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल, अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए, अब उनको याद आ रहा है। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए, आज उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। क्या कोई अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है कोई व्यक्ति तो जेल से अपना ऑफिस चलाएगा? ये संवैधानिक संकट पैदा किया है अरविंद केजरीवाल ने और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। आज दिल्ली की जनता सड़कों पे है बीजेपी के हवाले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।